इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से इशू आता है, द गेम विल बी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल व्हेन इट्स अवेलेबल। यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आता है, तो ये लिखा हुआ क्यों आता है और इसको कैसे हटा सकते हैं, ये हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो गाइज़, जैसे कि कुछ गेम यहाँ पर आते हैं हमारे प्ले स्टोर पर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लीग ऑफ लेजेंड्स, यहाँ पर ये गेम है। अब इसमें यहाँ पर एक आइकन दिख रहा होगा आपको टाइम का सा, तो इसकी वजह से ये इशू आता है। अब ये जो है गेम जो है कमिंग सून है, अब जब हम इस पर टिक करते हैं तो वो जो है पहले हमसे अवेलेबल होने के लिए बोलता है कि अभी ये गेम जो है अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब ये अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल वाला एंड ईयरली एक्सेस वाला। अगर ये ईयरली एक्सेस होगा मतलब लोगों के लिए, तो आपको आ जाएगा। देखिए एक्चुअली में होता ये है कि जैसे ये गेम है, ठीक है, इसकी लॉन्चिंग की डेट दे देते हैं कि ये लॉन्चिंग की डेट है, उस डेट में ही आएगा। अब ये सबसे पहले जो डेवलपर होते हैं वो उनको यूज़ करके देखते हैं कि गेम में फिक्स वगैरह है, एरर वगैरह है या कोई इशू वगैरह है। उसके बाद ईयरली एक्सेस में बीटा टेस्टर्स को और जो ईयरली एक्सेस करना चाहते हैं वो यूज़ करते हैं। उस टाइम पर भी गेम में कुछ बग वगैरह रहते हैं तो दिखाई दे जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर आता है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल, यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, ये कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। एंड उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम होगी, मतलब जो गेम के बिग फिक्स वगैरह होंगे, बग वगैरह होंगे, तो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर ये प्रॉपरली इंस्टॉल को ऑप्शन देगा और फिर जब आप इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉपरली ठीक हो जाएगी। तो इतना सा प्रोसेस रहता है बस इसके, सिंपल सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।